दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। चलिए दोस्तों अब हम अपना शाही पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, उसे गर्म करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। हम इसमें डालेंगे 1 प्याज रफली चॉप किया हुआ। मैंने 2 टमाटर लिया है। हमें प्याज टमाटर का आधा लेना है। अगर हम 2 टमाटर ले रहे हैं तो प्याज हमें 1 लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8-10 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक, चार लौंग, 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, चार काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 10-12 काजू, 2 हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। 1 से 2 बार हमें चलाना है थोड़ा सा। अब इसे 5 से 10 मिनट ढक के पकाना है। दोस्तों इस तरीके से ढक के पकाने से प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं और मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये सारे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और इस पेस्ट का यूज़ आप पनीर की कोई भी सब्जी बनाते हैं तो इस पेस्ट का यूज़ आप उसमें कर सकते हैं। अब हमारे मसाले और प्याज पक चुके हैं। अब गैस बंद करके हमें इसे 1 से 2 मिनट ठंडा होने देना है। फिर हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। इसी पेस्ट का यूज़ हम शाही पनीर की ग्रेवी बनाने में करेंगे। हम इसमें घी ऐड करेंगे। मैं ये सब्जी घी में बना दी हूँ, आप ऑयल, बटर, रिफाइंड जो यूज़ करते हैं उसमें बनाएं। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन बारीक बारीक काट लिया था। मैंने यहाँ 3 से 4 लहसुन और थोड़ी सी अदरक को बारीक बारीक चॉप करके यूज़ किया है। 2 हरी मिर्च, 2 थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ कलर के लिए। अब मैंने जो मसाले आपस में फ्राई किए थे उस मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया है। उसी पेस्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे सब्जी बनाने में। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और 1 से 2 मिनट हमें पकाना है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ लगभग 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी मिर्च यूज़ कर चुकी हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, और इसमें मैंने मलाई डाला है। या तो कोई भी सब्जी अगर हम मलाई की बनाते हैं तो हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना, अदरवाइज मलाई आपका घी छोड़ देगा तो आपकी सब्जी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। मैं यहाँ ग्रेवी के लिए थोड़ा सा दूध यूज़ कर रही हूँ। मैंने दूध में थोड़ा सा केसर डाला है। केसर डालने से हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूध हमें अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग लेना है, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही दूध हमें यूज़ करना है।
और इसकी ग्रेवी के लिए हमें पानी यूज़ नहीं करना है, पानी यूज़ करने से ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, हमारा शाही पनीर का टेस्ट। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारा शाही पनीर तैयार है। इसे एक धनिया पत्ते से गार्निश कीजिए और नान या जीरा राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और मेरे चैनल वीकेंड रेसिपीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।